पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर देखा जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप भी देखा जा रहा है। उत्तर भारत में सर्दी का सितम बढ़ रहा है। दिल्ली में मंगलवार को पारा लुढ़क कर 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हालांकि दिन में हल्की धूप जरूर खिली थी, लेकिन सुबह और शाम के वक्त ठंडी हवाएं चलने की वजह से लोगों को ठिठुरन का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ और दिनों तक लोगों को कोहरे का सामना करना पड़ेगा। दिल्ली में शीतलहर और कोहरे का कहर जारी है। ठंड से बचने के लिए लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। दिल्ली के अलावा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में बीते कुछ दिनों से कड़ाके की ठंड का कहर जारी है। यूपी की राजधानी लखनऊ में शीतलहर और ठंड ने लोगों को परेशान कर रखा है। भीषण कोहरे के चलते 6 ट्रेन रद्द कर दी गई और कई गाड़ियां देरी से चल रही हैं। लोग लखनऊ के रेलवे स्टेशन पर गाड़ियों का इंतजार करते और सर्दी से जूझते नजर आए। यूपी के अलावा भी कई राज्यों में ट्रेन यातायात पर भी काफी असर पड़ा है। 20 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं। हवाई यातायात पर भी कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में ठंड और शीतलहर के बीच कैसे हालात हैं, इसका जायजा लिया है टीवी 9 संवाददाता पुनीत शर्मा ने। रिपोर्ट देखिए। यह दिल्ली का सराय काले खां का इलाका है और ये यहाँ पर पास में बस स्टैंड है, मेन सड़क है और आप देखेंगे किस तरीके से ठंड से बचने के लिए लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। तमाम लोग आधी रात के 3 बज रहे हैं इस वक्त और इस तरीके से बाकायदा अलाव जला करके ये लोग ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है जी, तो इसी तरीके से आप अलाव कितने देर से ताप रहे हैं? हाथ हमारा हो गया कम से कम आधे घंटे हो गए। आधा घंटा हो गया सर। ठंड से बचने का यही तरीका है? ठंड से बचने का यही तरीका है। आप बताइए, आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं? सर यही बैठे हो, आग ताप रहे, क्या कर रहे सर? कुछ और दिन दिल्ली में शीत लहर होगी और दिल्ली को कोल्ड डे देखने को मिलेगा। लोगों को ठिठुरन से अभी आजादी नहीं मिलने वाली है, बल्कि और भी ज्यादा ठंड और कोहरे का सामना अब दिल्ली वालों को अगले कुछ और दिन करना पड़ेगा। बारिश की भी जो फोरकास्ट है वो किया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में दिल्ली में बारिश भी हो सकती है।